ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जौनपुर में बीजेपी निषाद पार्टी से गठबंधन के प्रत्याशी का स्वागत किया गया। शाहगंज 365 विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह का भाजपाइयों ने बैंड बाजे से स्वागत किया। टिकट की घोषणा होने के बाद शाहगंज पहुंचे रमेश सिंह का हर वर्ग के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। खुशी से समर्थक झूमे। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के बेटे हैं रमेश सिंह। फिर वही आएगी बीजेपी सरकार। आपकी सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है? रमेश सिंह। क्या लगता है कितने खड़े उतरेंगे आपके? एकदम 100% आएंगे। ऐसा क्या है बीजेपी आप तो समाजवादी पार्टी भी तो आप जा सकते हैं जी। क्या लगता है बीजेपी क्या कुछ था? बीजेपी ने क्या नहीं दिया है? घर दिया, राशन दिया, लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। मैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, निषाद राज पार्टी के शेष नेतृत्व को, डॉक्टर संजय निषाद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की पुकार सुन के उन्होंने मुझे यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो ये हुजूम आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का, ये उनके दम पे हम चुनाव जरूर जीतेंगे। इसमें देखिए चुनाव रमेश सिंह नहीं लड़ रहे हैं, किला ढहाने की जरूरत नहीं, किला ढह चुका है। पीलीभीत में सपा जिलाध्यक्ष ने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार कटियार को हटाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र लिखा गया। सत्ता पक्ष भाजपा को अनुचित लाभ दिलाने की आशय से विपक्षी दलों और सपा के कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। आदर्श आचार संहिता में भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया। वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान और प्रधान पति को सत्ताधारी गुंडों द्वारा गाली गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया। ललौरी खेड़ा ब्लॉक के नांद पसियापुर गांव के प्रधान पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। थाना जहानाबाद इलाके के नांद पसियापुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रानीगंज विधानसभा से दूसरी बार धीरज ओझा को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से रानीगंज विधानसभा से निवर्तमान विधायक नीरज ओझा, रविवार देर रात ओझा को दोबारा टिकट मिलने की जानकारी होते ही समर्थित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। सोमवार की दोपहर उत्साहित मुद्रा में नामांकन स्थल पर पहुंचकर धीरज ओझा ने नामांकन किया, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दिया। चुनाव का बिगुल बज चुका है। रैली कर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पक्ष में जाकर जनता से वोटों की अपील की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के रामपुर के तहसील शाहबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंच पर पहुंचकर हाथ हिलाकर अभिनंदन किया है। मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब होता है अपराधी जेल में, और आपको पता है कि जेल से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, वो रामपुर से जीतेंगे नहीं और मैनपुरी से अखिलेश यादव भी नहीं जीतेंगे। पहले की सरकारों में दंगाई भूमाफिया थे, हमारी सरकार ने उनका सफाया किया है। और यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।